किसी ने कहा है कि जवान बेटा जब घर से चला जाता है तो तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है, और जब उसके दो छोटे छोटे बच्चे हों और वो मानसिक रूप से विकृत होकर के घर से चला जाए तो फिर तकलीफ का आलम क्या होगा। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, मैं मेवात की एक बात कर रहा हूँ। और मेवात के गांव उमरा में आबिद की ननिहाल थी, और आबिद अब इस दुनिया में ये लोग ढूंढ रहे हैं कि आबिद आखिरकार है तो है कहाँ। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, भारत टीवी आपसे गुजारिश कर रहा है, उस गरीब के लाल को ढूंढने में आप सब मदद करेंगे। लेकिन कुछ जानकारियों के लिए चलते हैं कि आबिद आखिरकार कहाँ से उनका ताल्लुक है, कब गायब हुए, कैसे कपड़े पहने हुए थे और क्या उनकी पहचान है। चलिए जाने के लिए सीधे चलते हैं उमरा गांव में, उनके मामा मौजूद हैं जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि हम गरीब लोग हैं और हमारा जो भांजा था वो मानसिक रूप से थोड़ा सा उसकी हालत सही नहीं थी और वो गायब हो गया है। चलिए सीधे चलते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है जी, मैं उसका मामा हूँ जी। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव उमरा है जी। कैसे कैसे गायब हुए, कब गायब हुए? वो 21 तारीख को जो है घर से गायब हुए, और उसकी जो है मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? मोहम्मद आबिद हुसैन। कोई पहचान है, हाथ पैर पे गुदा फुदा कोई, कैसा भी कुछ? उसने जो है लाल लोअर है उसके पास, लाल टी शर्ट है उस टाइम का, और हल्की चेहरे पे दाढ़ी है। अच्छा, 5'6" का लगभग उसका कद है। मैं चाहूंगा एक बार फोटो उनका दिखा दिया जाए, और भाई के पास मोबाइल में उनका फोटो है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा जूम करके इस फोटो को दिखाएं। एक बार आप सब आबिद को गौर से देख लीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इस गरीब को वाकई उसका घर मिल जाए और उन छोटे छोटे बच्चों के लिए उसका पिता मिल जाए, और ये जो मामा है ये अपने भांजे को ढूंढ रहे हैं, इनके लिए इनका आबिद मिल जाए। आप गौर से इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, गांव मेवात का उमरा है और उमरा गांव में आबिद के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। अब हम लौट करके आते हैं, आबिद कहां से गायब हुए? आबिद नरवारी गांव है जो उसका जी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी, वहां से गायब हुआ है जी। और यहाँ उसका ननिहाल है, बचपन उसका यहीं गुजरा है जी। मेरे पास में वो यहीं पे पढ़ाई की है, आईटीआई की है उसने। अच्छा, और उसको जो है 20 या 22 साल की उम्र में, इस छोटी सी उम्र में जो है उसको मानसिक जो है विकृति हो गई। विकृति हो गई। पढ़े लिखे हैं कुछ जी? प्लस टू कर रखी है जी उसने, आईटीआई कर रखी है सर। कब गायब हुए, कौन सी डेट में? 21/5/2021 को जो घर से निकले हैं। तब से नहीं लौटे? नहीं सर। कोई मोबाइल नंबर आपका अगर किसी को आबिद मिलता है? 99912-58151। दोबारा बोलिए। 99912-58151। एक बार और बोल दीजिए। 99912-58151। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेवात हरियाणा नुह का गांव उमरा, आबिद जो शख्स गायब हुआ है वो अपने घर से गायब हो चुका है और उसके मामा हैं। आप अपना नाम भी बता दीजिए एक बार। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है जी। आप इरशाद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, घर में उनके अलावा कौन कौन है? उसके माता हैं, पिता हैं, दो भाई और भी हैं। कोशिश की जा रही है ढूंढने की जी, भरसक कोशिश कर रखी है जी। उन लोगों से क्या बोलेंगे जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं? देखो जी, ये गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि हम भी उनके साथ में, हमारी जो मदद करेगा हम भी उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। आबिद को ढूंढना चाहिए जी सर। तो देखिए मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप वीडियो शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अगर आपके अंदर चरासी भी लगता है आपको कि आपको आबिद की मदद करनी चाहिए, लाल लोअर है, लाल बनियान है, चेहरे पे हल्की दाढ़ी है, नाम आबिद है, प्लस टू कर रखी है और 22 से 23 साल उम्र है, और 21 को वो अपने घर से गायब हो गए और मेवात का गांव उमरा नरवारी उत्तर प्रदेश में उनका गांव है, यदि आपको कहीं भी आपको आबिद नजर आते हैं तो प्लीज आप मदद करिएगा, वीडियो को इतना शेयर करिएगा। और खासकर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि आपकी एक मदद इनको आबिद दिला सकती है और उन छोटे छोटे मासूमों को पिता मिल सकता है। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन उम्मीद ही नहीं भरोसा है, आपने हर बार में हमारी मदद की है, एक बार फिर से आप हमारी, आबिद की और उमरा के इन बेबस लोगों की भी मदद करेंगे।